अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपको पता ही है क्या होने वाला है। बारिश तो हो रही है तो पानी कितना ज़्यादा खड़ा हो गया, और ये होता है जब यूएई में बारिश होती है, ये हाशिर होता है सर रोड्स का। तो अभी जो है ना थोड़ी सी बातें करते हैं, अदनान आ रहा है उसके साथ मिल के, उसकी गाड़ी में बैठ के फिर बाकी बातें करता हूँ। बारिश हो रही है तो मज़ा आएगा आज के ब्लॉग में, बीच बीच पे कहीं लेकर चलते हैं आपको। हु इज हियर फाइनली, अदनान इज हियर। हे लड़के, अभी ये आया, आते ही इसने कहा तुम चलाओ गाड़ी, तुम क्यों नहीं चला रहे, क्या भाई बहुत बरसात है, तुम चला लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। यार तुम्हें पता है सैडनेस क्या है? क्या? बारिश का इतना प्यारा रोमांटिक मौसम हो और इस जैसे लोंडो के साथ मुझे घूमना पड़ा, लोंडे के साथ घूमना पड़ा, इसे कब तक घूमेगा भाई तू लोंडो के साथ? इससे ज्यादा और सैडनेस बताऊं, इससे ज्यादा और सैडनेस बताऊं, गाड़ी खराब है? नहीं नहीं, इससे ज्यादा और सैडनेस ये है कि जब बारिश एक दिन पहले आपने सर्विस करवाई है, दो महीने बाद अरे यार इसकी गाड़ी सर्विस करवाई है और उसके बाद अब दो महीने के बाद गाड़ी सर्विस कराई है, चार छह महीने बिल्कुल कोई सर्विस नहीं हो रही थी भाई, तू सर्विस करवा ले गाड़ी गाड़ी धुलवाई है, बारिश हो गई है, सैडनेस। कोई बात है, खैर हो गई। अदनान आज क्या खिला रहे हो? कुछ भी, आलू के पराठे में खाकर आ रहा हूँ, तुम लोग भी, तुम्हें भी खिला कल कल आलू के पराठे। यार वैसे इस मौसम में जो है ना लोग खाते हैं कोई क्या नाम है समोसे वगैरह ये वो, लेकिन मुझे जो है ना इन चीज़ों का वैसे शौक नहीं है इतना, लेकिन आज कुछ ना कुछ खाने का मूड है। ज़बरदस्त, अभी हम E311 पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो है इतनी बारिश नहीं हो रही जितना पानी नीचे सड़क से उड़ रहा है ऊपर। नहीं नहीं, तेज बारिश है यार, काफी तेज बारिश, इतनी तेज बारिश हो रही है कि ना पूछो, आसमान से एक पानी का कतरा नहीं गिर रहा ऊपर से। हां तेरे भाई पर बिला वजह चल रहे हैं ना फिर। हां नहीं नहीं, बारिश है जबरदस्त, वाओ। ओ यार क्या जबरदस्त लग रहा है, जबरदस्त है बाबा। यार अच्छा अभी हम लोग आ गए हैं खाने के लिए, ये समोसा चाट है और ये दही भल्ले हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, अदनान व्हाट अबाउट यू? और एक कबाब लिया अपन, यार ये एक बन कबाब भी ला दो, एक बन कबाब। मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है, बहुत मजेदार होने वाला खाना यार। मीठी चटनी और मसाला देना, कुछ खानदानी मजे आने, खानदानी चस आ गया, वो है तो ये आ गया हमारे पास बन कबाब, अंडे वाला बर्गर, और इंडिया में इसको वड़ा पाव बोलते हैं। और ये वड़ा पाव नहीं, ये वड़ा पाव नहीं बोलते, बोलते हैं ना इसको, ये इसको नहीं बोलते, ये वाला वड़ा पाव नहीं है, वड़ा पाव मैं तुम्हें खिलाता हूं, दूसरा है। अच्छा वो कहीं और से होता है, उसके वड़ा वड़ा इज डिफरेंट एंड बन कबाब इज डिफरेंट। अच्छा लेकिन मेरे लिए तो ये अंडे वाला बर्गर है भाई, वाओ जबरदस्त। इस मौसम में खाने का अपना ही मजा, सही खाने का तरीका ये है, यहाँ पे यूं केचप, अच्छा यूं आटे बंदी, और हाय 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 जिंदगी के मजे तू ले गया इस मौसम में खाने का। अब चलते हैं कहीं बीच बीच पे, फिर आपको आगे दिखाता हूँ, खाना बहुत हो गया। अच्छा अभी हम लोगों ने जो है ना वहाँ से पेट पूजा कर ली है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे कोक बहुत ज्यादा पसंद है, तो अभी प्लान हमारा बना था कोक का, और किसने कहा कि मैं चाय पीऊंगा, मैंने कहा मैं कोक पीऊंगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बीच पे, हमारे सबसे करीब जो है ना वो मंजर बीच है और वो सुकून वाला भी है, इसलिए हम लोग जब भी जाते हैं वहीं जाते हैं, तो चलते हैं फिर वहाँ पे। अभी नहीं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इधर इन्होंने वार्निंग दी हुई है कि स्लो डाउन, यहाँ पे जो है पानी है, अदरवाइज देयर विल बी वाटर फाउंट देयर एंड यू विल बी इन ट्रबल, डोंट ड्राइव, ड्राइव सेफली व्हाटएवर यू कैन एंड वेयर यू बेल्ट, एंड डोंट ड्राइव विद मोशन देन। हां ड्राइव सेफली, जिस तरह मैं ड्राइव कर रहा हूं ये सेफली ड्राइव कर रहा हूं ये BMW, डोंट एवर ट्राई टू ड्राइव लाइक अ मोशन, दे आर सेइंग दिस सॉर्ट ऑफ मैसेज। या 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 अदनान भाई स्टोरी जो है ना आप सेफली बनाएं, आप ड्राइव करें सेफली, ड्राइव सेफली गाइस, वेयर योर बेल्ट एंड डू नॉट ट्राई टू ड्राइव लाइक मोशन। मैं इतना कोई ड्राइवर कोई बन भी नहीं सकता ना, ऐसे ड्राइव कर भी नहीं सकता इतनी जबरदस्त। अच्छा ये हमारे साथ साथ ये मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो के ऊपर भी जिंदगी के मजे ले सकते हो, लेकिन जो हम जिंदगी के मजे ले रहे हैं वो अपनी मॉडिफाइड होंडा सिविक के अंदर मॉडिफाइड होंडा सिविक के अंदर जिंदगी के मजे ले रहे हैं, और अभी बीच पे जा रहे हैं।
अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं बीच के पास और क्या व्यू है जबरदस्त। इधर एक तो बारिश बहुत कम होती है और जब होती है ना तो लोग पागल हो जाते हैं। लोग पागल हो जाते हैं जिस तरह हम दोनों हुए पड़े हैं अभी मैं ऑलरेडी जिस तरह पागल हुए पड़े हैं। ओए होए क्या व्यू है, जिंदगी के मजे हैं भाई, जिंदगी के मजे। जहाज जा रहा बादलों के अंदर, लेकिन आज तो बादल ही नीचे आए हुए हैं, बारिश हो रही है। मम्मी से बीच के पास पहुंच गया और ये देखो लोगों ने सामान पूरा डिग्गी में डाला हुआ है, फुल माहौल उबल रहा है ना, उबल रहा है, बाहर गिर रहा है चटाई वटाई ये वो सब कुछ। अदनान तो उतर के जा रहा था, ये तो कह रहा था डिग्गी बंद करो अपनी। मैंने कहा भाई खुदा का वादा बैठ जा, मैंने कहा भाई सामान उसका वादा बाहर आ रहा था, नहीं उसको फाइन मिल जाएगा, मैं बंद करवा के आता हूँ। सिग्नल खुलते ही बंद होने की कोशिश कर रहा था लेकिन हमने क्रॉस कर लिया। और ये देखो फोर्ड रैप्टर जा रहा है जो की अदनान के दिल के बहुत ही करीब हो चुका है। एडी भाई इसका पानी इसका रिव्यू आना चाहिए रिव्यू। बाकी यार जो वेदर है ना इस टाइम पे वो ऐसा है कि मम्मा मी है। ओए होए होए क्या जबरदस्त वेदर है यार, लेवल है। यहाँ पे बारिश एक तो होती नहीं है, जब होती है ना तो जिंदगी के मजे शुरू हो जाते हैं। आगे अपने फोर्ड रैप्टर, पीछे अपने रेंज रोवर, देखो कैसी सिक्योरिटी है हमारी। हमें सिक्योरिटी मिली हुई है पता है, अपने पीछे रेंज रोवर ये चेक करो। और खजियां खजियां अदनान खजूरें खानी है, बिल्कुल उतर के ले आओ यार। वो सामने जो है ना वो शारजा की बिल्डिंग है, वो शारजा दिख रहा है, वो शारजा अलखान बीच है, अलखान बीच है। और ये मंजर बीच है, नहीं वो भी मंजर बीच ही है उसका, वहाँ पे वहाँ से अलखान लगता है, अलखान लगता है। चलो ये अलखान लग गया उसको। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए मंजर बीच पे। मंजर बीच जो है ना इसके चारों साइड पे, ये जो सामने है ये शारजा है मंजर बीच के, और हमने वैसे बेसिकली दूसरी साइड पे जाना था लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाने के लिए रुका हूँ। मंजर बीच पे भी मुझे इस लोंडो के साथ आना पड़ेगा। अब तो बस तेरी जिंदगी में सिवाय लोंडो के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी है नहीं अब, बस अब क्या हो सकता है। ये देखो जी जबरदस्त, वो सामने शारजा है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ आप लोगों को बताता हूँ, राहत फतेह अली खान ने तेरी आंखों के उतरने का तरीका पहली बार बताया है कसम से यार, पहले कभी भी नहीं बताया। मैंने हर बार बताया, 25 वीडियोस में तो ये बात बताई नहीं है कि यहाँ पर राहत फतेह अली खान हुआ है मेरे भाई, हुआ है, मान ले और तेरी वीडियोस में भी कभी नहीं कभी सुना ही नहीं फतेह अली ने परफॉर्म किया। हाँ यार उसके 100 मिलियन प्लस व्यूज हुए उस सॉन्ग के, पता है भाई सही है, पहली बार बताया ना, ये तो बहुत अच्छा है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और जो व्यू है यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि इस तरह से ही है, बस लेवल ही है। इस तरह के मामला के जिंदगी के मजे हैं। अच्छा अभी हम अपने सेकंड पॉइंट पे आ गए हैं, सामने फूल लगाए हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त। तो अभी हम लोग जा रहे थे चाय और कोक लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो वेदर है उस हिसाब से यहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल था, तो मौका मिला मैंने फौरन ही पार्किंग लगा दी है गाड़ी। इस बीच पे आने की रीज़न ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून होता है। अगर किसी ने सुकून वाली जगह पे आना है, यहाँ पे ना शोर होता है ना कुछ और होता है, आप देख सकते हो ट्रैफिक की आवाज़ भी नहीं आ रही कोई, और बीच भी है साथ, और उसके बाद ये व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है, पीछे बुर्ज खलीफा भी वैसे नज़र आता है यहाँ से। और अभी चलता हूँ मैं पॉइंट दिखाता हूँ जिस पॉइंट पर मैं जाके आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो पॉइंट है जहाँ पे मैं अक्सर आता हूँ रात के टाइम भी। वहाँ पे तो मेरा वीडियो बना हुआ है ना यार, जिसमें मैंने क्या कहते हैं वो गिम्बल का शॉट, हाँ वो आप बिल्कुल ना देखना, कभी भी ना देखना। और बाकी जो है यहाँ पे जबरदस्त ये बुर्ज खलीफा भी आपको नजर आ रहा होगा, बहुत जबरदस्त बुर्ज खलीफा है। और ये बुर्ज खलीफा पे तो एक वीडियो बनाया हुआ है ना मैंने, हाँ। यार इसने कहीं कोई वीडियो नहीं बनाई, इसकी कोई वीडियो नहीं देखनी आप लोगों ने। अरे ना के यार वाकई नहीं देखी है यार, मेरा दिल जल रहा है, पूछ क्यों क्यों बैकग्राउंड में नजर आ रहा होगा कुछ, हाँ इतना खूबसूरत मौसम और लोगों के साथ जिंदगी तबाह कर देगा, मैं तेरे साथ और लोग जिंदगी के मजे ले रहे हैं और मैं यहाँ पे, तू शादी क्यों नहीं कर लेता यार, खत्म कर कहानी। अच्छा वो सामने जो है ना मंजर बीच का पार्क है, जिसकी मेरे ख्याल से फीस है 10 दिरहम या 15 दिरहम अंदर जाने की, अगर गाड़ी पे जाते हो तो मेरे ख्याल से 15 दिरहम लेते हैं, जितने भी लोग अंदर हों तो जा सकते हैं। हाँ डिफरेंट है। तो अदनान को लग रही है सर्दी, असल में सर्दी नहीं लग रही है, इधर अपना फैशन दिखाना चाह रहा है तो ये जो है ना इसलिए ले आया कोट। हम देखो कच्चे बच्चे पहन के, और ये देखो बस दुबई में ये चीजें पहनने की, अभी 2-3 कहाँ यार, ये मैंने हाफ बाजू पहनी मुझे तो जरा सर्दी नहीं लग रही, वो यही है कि दुबई में शौक पूरा करना होता है, इन दिनों कर सकते थोड़ा सा। यार ये बंदा मेरी वजह से नीचे तक तो चला गया बेटा, फाइन पड़ेगा तुझे, यहाँ पे पुलिस आ जाएगी, तुझे पता चलेगा, वीडियो बनाने के चक्कर में तू अंदर चला गया, पिक्चर के लिए मरने जा रहा है तू, कोई भी नहीं है। अच्छा हुआ ये है कि कुछ वीडियोस मैं बना रहा था, आगे मैंने अदनान को फोन दिया पिक्चर्स के लिए, उसने पता नहीं कौन सा मोड ऑन किया तो आगे से जो भी वीडियोस बनी सारी करप्ट हो गई, तो मैंने यहाँ पे भी वीडियो बनाई थी। ये देखो ये गाड़ियाँ यहाँ पे डूबी हुई हैं पानी के अंदर पूरी पूरी, जिन्होंने एंड तक देखी है उनके लिए बोनस था, तो इसलिए मैं फिर दोबारा आ गया यहाँ पे बनाने के लिए। ये देखो
ये काम होता है जब यूएई में बारिश होती है, शायद आपको नजर आ रही हो, अंधेरा है, रात का टाइम हो गया। ये पानी का लेवल चेक करो भाई, ये ऐसी होती है फिर बारिश यहाँ पे। वो एसयूवी है, वो भी डूबी हुई है, ये तो रुल गए जिनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इस तरह काफ़ी सारी जगह पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, शायद आपको पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं, लेकिन जो है ना मैं जा रहा हूँ कहीं जल्दी में हूँ, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बजा दो, बस यही कुछ है।